नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन के बारे में। आखिरकार क्या मायावती और अखिलेश यादव विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी न सिर्फ देश में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के उभरी है, बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल भी बन चुकी है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव उपचुनाव की ताल ठोकते हुए भी नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी अपने विशेष यहां तैयारियों के साथ लड़ने वाली है, लेकिन 15 जनवरी 2024 की तारीख का यहां पर रुख करना आवश्यक हो जाता है। 15 जनवरी को यहां मायावती का जन्म दिवस मनाया गया। मायावती के जन्म दिवस के अवसर पर एक तरफ अखिलेश यादव ने उनको शुभकामनाएं प्रेषित की, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि वह यदि बुआ जी यदि उनके साथ गठबंधन करना चाहती हैं तो वह उसके लिए तैयार है। लेकिन अखिलेश यादव को गिरगिट बता करके मायावती ने अपने सियासी रास्ते अलग कर लिए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, लिहाजा नतीजा ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति से सिरे से खारिज हो गई। अब मायावती से ये सवाल किया गया कि आगामी वक्त में क्या गठबंधन की कोई गुंजाइश है, इंडिया गठबंधन के साथ कोई उनकी पार्टी का यहाँ पर गठबंधन हो सकता है। इस पर उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कह दिया है कि आगामी वक्त की राजनीति वक्त के अनुसार तय की जाएगी। यानी कि मायावती को भी कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि आगामी वक्त में राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से तैयार होंगे उसी आधार पर राजनीति यहाँ से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। देखना ये होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आती है। क्या मायावती और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर के यहाँ पर चुनाव लड़ पाते हैं, इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि पीडीए का नारा देने के बाद पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ नजर आया। और अखिलेश यादव इन दिनों जोश आत्मविश्वास से यहाँ पर लबरेज हैं और उनका दावा है कि 10 की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।